अभी हमने देख लिया कि जो आटा है उससे ये जो सारे बोल बन गए हैं, इस बोल को हम लोग यहाँ से लेके और इसमें आटे में पहले उसमें थोड़ा प्रेस कर लिया। अब इसको आटे में दोनों तरफ लगा देंगे। इस आटे को आटा मोण बोलते हैं, और ये वाला आटा मोण का आटा सेम वही रहता है जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये कोई स्पेशल आटा नहीं होता है। अब ये जो बेलने की प्रोसेस है ना, उसमें जैसा कि मैंने कई बार उसमें लिखा हुआ है कि एक आध महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद लेडीज़ को भी देर लगती है। हमारा तो ये R&D सेंटर है, तो यहाँ पे जो है वो एक्सपर्टाइज नहीं होते, लेकिन प्रोसेस उसका यही है कि इसको बार बार आटे में उसमें डालना है, और जितना हो सके उतना जो ये बेलने का प्रोसेस है वो जल्दी से करके और उसके बाद में यहाँ पे स्टोरेज कर देना। ये स्टोर है अपना, जिसके अंदर इस वाली थाली में हमने रख दिया। और अगर सामने कोई पर सेकने वाला है तो कोई स्टोरेज करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट फटाफट डिलीवरी होती रहती है। और हमेशा हैंडमेड का खाकरा, चाहे वो एक्सपोर्ट होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा आटा लगा हुआ दिखता है फाइनल खाकरे में। उसकी वजह यही है कि ये जो आटा है वो यहाँ पे इसमें यूज़ होता है। और खाखरा बनाते समय खास जो है उसका ध्यान ये रखना है कि ये बेले हुए जो भी खाखरा है वो काफ़ी देर तक, 1 घंटा या आधा घंटा तक बिना सेके नहीं रहना चाहिए। जैसे हमारा तो R&D है, तो हम तो इसको दो करके और तुरंत ही सेकना शुरू कर देंगे। अब सेकने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि इसको जो है गैस अगर आपका फुल फ्लेम पे रहेगा तो इसमें सेंटर में या आजू बाजू में लाल होना शुरू होगा खाखरा, और अगर गैस बहुत ही कम है तो खाखरे में वो टेस्ट नहीं डेवलप हो पाएगा, लेकिन खाखरा सूख जाएगा पूरा। तो खाखरे में टेस्ट डेवलप करने के लिए हमेशा गैस को मीडियम फ्लेम में रखना है। जैसे हमने ये वाला है इसका नॉब वो मीडियम फ्लेम में रखा है अभी। अब हम इस खाखरे को पहले यहाँ से लगा के और पहले दोनों साइड से हल्का सा सेकने का नहीं कह सकते उसको, दोनों साइड से जो है मतलब तवे पे रखेंगे तो दोनों साइड ऐसी हो जाएगी कि वो चिपकेगी नहीं। और जो बड़ी कंपनियां है जो ये बनाती है, वहाँ पे उनके पास में ये वाला जो है खाखरा कटिंग करने वाला होगा, ये जो तो ये वाला जो है ना, ये इसकी साइज 6.5 इंच होती है। हमारे पास अभी R&D में वो नहीं है, तो हमने तो कैसे भी जुगाड़ करके ये बना लिया कि ये जो है, और इसमें यहाँ पे पीछे एक हैंडल होता है, उससे वो हैंडल से जो है इसके ऊपर ऐसे मारते हैं, जैसे हम अभी इसको बना के और उससे काटेंगे। तो इस तरह का जो है आपको 6.5 इंच की कोई भी SS की रिंग बना लो तब भी चलेगा, या जो भी साइज़ का आपको खाखरा बनाना है उस साइज़ का वो देना है। और खाखरा अगर आपका ज़्यादा मोटा होगा तो वो अंदर से कच्चा रहेगा और बाद में ये ढीला हो जाएगा, उसमें वो क्रिस्पीनेस नहीं आएगी। और अगर खाखरा जो है वो बहुत बारीक होगा, बहुत पतला, और अगर सिकाई अच्छी हुई है तो खाखरा सबसे बेस्ट बनेगा। सिर्फ बारीक में ये प्रॉब्लम है कि वो जलने का ज़्यादा चांसेस है। तो ये हमारा पूरा बेलने वाला आपको प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। अब ये कंप्लीट बेल गया, अब इसके ऊपर हम वो मार के और इसको अब कटिंग करेंगे। देखो ये कटिंग किया, अगर एक्सपर्ट लेडी है तो ये कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको गोल आता है, लेकिन क्योंकि फैक्ट्री में 200-100 लेडीज़ होती है तो हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता है, बेलना अच्छा जानते हैं और एक ही तरह का खाखरा चाहिए, तो हम कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद में जो माल बच गया वो हमारा बाद में दूसरे बेच में काम आएगा। अभी ये जैसे खाखरा हमने अभी निकला तो इसको हमने तुरंत ही तवे में डाल दिया। अभी तू तारीफ न कर। अब देखो ये तवे में डालने के बाद एक तरफ थोड़ा सा सेक लिया, कोई निशान नहीं आया, लेकिन इतना हो गया कि पानी जो है वो उसका उड़ गया। अब हम उसमें तेल लगाएंगे
और तेल लगाने से पहले हमें ये देखना है कि जो बबल है वो बबल अपना कहीं पे भी ज़्यादा बड़ा होके और जलना नहीं चाहिए। जब ऐसा हो जाए उसके बाद ही हम इसमें कंप्लीट तेल लगाएंगे। तेल लगा रहा है। अब जैसे ये हो गया, अब हम इसमें तेल लगाएंगे। और लेडीज़ को खास ये बोलना है कि जो आटा है वो आपका बिल्कुल कम लगाना है इसमें। एक बने तो वो नहीं, शांति जी फिर आराम। अगर आपका खाखरा जल रहा है तो समझ लेना गैस ज़्यादा है, अगर आपका खाखरा कच्चा हो रहा है तो समझ लेना गैस कम है। बहुत जाडो छो, डबल जाडो छो, थेपला थोड़ी बार आने स्टॉप। अब ये खाखरा लगभग बनके और कंप्लीट तैयार हो गया है। अब इसको जो है हम लोग यहाँ पे पेपर पे या कपड़े पे रख देंगे। बीच में गैप होना चाहिए। इसका रखने की स्टाइल ये है कि थोड़ा ये ऊंचा रहना चाहिए। जैसे ये है किनारे, यहाँ पे हम रख रहे हैं इसको, तो ये ऐसे रखा है इस तरह से। तो इस तरह से एक आपका ये खाखरा तैयार हो गया। अब इसमें जितना आपका लोटी मोटी होगी और बढ़िया होगी तो खाखरा इस तरह से बहुत ही बढ़िया होगा। इसमें इसकी मेलड रिएक्शन कंप्लीट होगी और ये पूरा खाखरा बढ़िया हो जाएगा इस तरह से। ये देखो, हाँ अलाउ तो है ना। ये देखो, ये इसकी थिकनेस, ये इस तरह से। इसको मैं कुरियर करने वाला हूँ।